अस्सलाम फ्रेंड, दिस इज अयाज अहमद। वेलकम टू द ग्रीन फ्यूचर ऑन यूट्यूब। आज मैं लगाने जा रहा हूँ बेबी सन रोज़ की कटिंग। तो बेबी सन रोज़ की कटिंग लगाना बहुत ही इजी मेथड है और इसके अंदर कोई भी अलजबरा नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। और बेबी सन रोज़ बहुत ही यूनिक प्लांट है इन पॉइंट ऑफ व्यू। ये देखें, आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रोथ इसकी बढ़ रही है। माशाल्लाह से इनडोर भी ये सर्वाइव करती है, बट फ्लावर नहीं आते। विदाउट फ्लावर जो है वो इंडोर भी ये सर्वाइव कर सकती है। ये इस तरह का इसके अंदर फ्लावर आता है। ये तो एक जो है ना बर्ड है, तो ये अभी खिली नहीं है। बाय द वे होता है इसी तरीके का है। तो ये मैंने कटिंग्स जो है वो निकाली हैं यहाँ से, दिस साइड आई वॉन्ट टू एम्प्टी। तो यहाँ से मैंने ये कटिंग्स जो है वो निकाली हैं, गालिबा 1 2 3 4 5, तो 5 कटिंग्स जो हैं वो ये हैं। और मेरे पास ये 3 बॉटल्स हैं जो कि मेरे पास स्क्रैप हो गई थी, तो मैंने इनको यूज़ करना है अभी, दोबारा से बहाल करना है, मतलब आबाद करना है। और इस तरीके से ये हो जाएगा, देखें जैसे ये एक है या ये है। अभी बिल्कुल भी केयर नहीं दे रहा हूँ, तो देखें इसके जो पत्ते जो है सूख गए हैं वो भी मैंने अलग नहीं करे हैं। ये बहुत सख्त होते हैं, इसके लीव्स जो होते हैं वो काफ़ी हार्डली होते हैं, तो वो खुद से रिमूव होकर गिरते नहीं है जिस तरह बाकियों के गिर जाते हैं। इसलिए दम दम में सूख रहा है तो ये गिर जाएगा, बट इसके नहीं गिरते, तो इसके हमें खुद से रिमूव करना पड़ता है क्योंकि बहुत हार्ड लीव होते हैं। डेट्स वाई, डेट इज़ द रीज़न। तो अभी जो है वो हमने इनको लगाना है उसके अंदर, तो इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी इंशाल्लाह, बहुत जल्दी से ये लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 हैं ये, तो एक और ले लेंगे हम, तो 2-2 लग जाएंगे सब में। तो एक हमने और स्टैंप लेनी है, तो वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे मैंने काटी थी, क्योंकि ये तो मैंने खुद काट ली पहले से ही, आपने देखी नहीं। तो अभी यहाँ से देखते हैं हम कौन सी चॉइस कर रहे हैं। तो ये वाली हम चॉइस कर रहे हैं, ये वाली, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है और ये ऊपर से ड्राई हो रही है, तो हमने इसको ही यहाँ से काट देना है। और ये बच गई, अभी वरना नीचे ही चली जाती है। तो ये हमारे पास 6 हो गई हैं, इनको नीचे उतार लेते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ आ गए हैं। इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, डैनिश होल हुए हैं, डैनिश होल होना ज़रूरी है। तो अभी हम इसके पत्ते रिमूव करते हैं। ओके, तो ये पत्ते रिमूव हो गए, ये एक हो गई। इसके देखें पत्ते नीचे तक हैं, तो ये हमें थोड़े से पत्ते जो हैं इसके कट करना पड़ेंगे, वरना ये गल जाएंगे। तो गलने की वजह से हो सकता है कि डंडी में फंगस लग जाए। वैसे तो ऐसा बहुत कम होता है और बेबी सन रोज़ में तो ऐसा होगा भी नहीं, मगर फिर भी एहतियात ज़रूरी है, तो एहतियाती तौर पर हम इसको कट कर लेते हैं। लग गया, और अभी नेक्स्ट भी इसी तरह, इसमें भी लीव ज़्यादा हैं, तो ये भी हम रिमूव करेंगे लीव। तो ये भी आ गया इसमें, और सेकंड वाला हम ये ले लेंगे इसके अंदर, क्योंकि एक बड़ी लगाई हमने तो एक छोटी लगा देते हैं साथ। ये आ गई इसी तरीके से, एक ये है, ये भी बड़ी है, काफ़ी बड़ी है बल्कि ये। तो इसको इसके अंदर लगाते हैं हम, ये आ गई, और इसके साथ दूसरी भी बड़ी आ गई। ये दोनों बड़ी आ गई हैं बाय द वे, कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसकी भी लीव रिमूव कर देते हैं। ओके, तो ये 2 और कर देते हैं ऊपर के भी, रिमूव हो गए। और अब ये हमने इसके अंदर डाल दी, अब इसके अंदर हमने डालनी है मिट्टी, सॉइल। तो अभी सॉइल भरना शुरू करते हैं हम। मिट्टी भर गई है, थोड़ी सी थपकी देंगे हम इसको ताकि एयर पॉकेट जो है वो ख़त्म हो जाए। इसी तरह सेकंड एंड लास्ट एंड थर्ड एंड लास्ट। अब हम इसको ले चलते हैं थोड़ा एक जगह पर जमा करके अपने तालाब के पास, ताकि हम इसको पानी दे सकें। फ़र्स्ट टाइम, पहली दफ़ा मैं जब भी आप कोई कटिंग लगाते हैं तो उसको भरपूर पानी दें, ताकि वो अच्छी तरीके से एक जगह पर एडजस्ट हो जाए। तो
तो अभी ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम इसको शेडी प्रेस में रखेंगे। ओके जी, तो हमने यहाँ पर इनको एडजस्ट कर दिया है और ये बिल्कुल शेडी एरिया है, यहाँ पर धूप नहीं आती। अब ये यहाँ पर इंशाल्लाह बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगी और उसके बाद फिर हम इसको लगा देंगे। यहाँ हमने पहले लगाई हुई है। तो इसी के साथ आयाज़ हम आपको दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।